हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि अगर YouTube पर आपको कमाई करनी है तो आपको लिए चाहिए 4000 सब्सक्राइबर। मैंने गलती बोल दिया क्या? जी हाँ फ्रेंड्स, गलती ये है कि 4000 सब्सक्राइबर नहीं, 4000 हमको चाहिए घंटे। तो 4000 घंटे हमको चाहिए, हमको हमारे मतलब वीडियोज़ पर 4000 घंटे वॉच टाइम हुआ रहे, तो ये आपको कैसे मिलेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कहने का मतलब ये है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे चाहिए कि आपके व्यूज़ पर रहे। तो अब इसके लिए चाहिए तो भाई आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे, वीडियो ऐसा आप अपलोड करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक देखें, इतना इंटरेस्टिंग हो जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो देखिए, ये 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का खेल क्या है एक्चुअली में? क्या है कि अगर 4000 सब्सक्राइबर आपके जब हो जाएंगे और साथ ही साथ मैं बार बार 4000 सब्सक्राइबर कर दे रहा हूँ, इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। 4000 घंटे, तो 4000 घंटे जब आपके हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपको और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपके जो मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा। मोनेटाइजेशन क्या है? मोनेटाइजेशन देखिए, आपका गूगल का एक प्रोग्राम है और एडसेंस का एक प्रोग्राम है, यूँ कहें तो इसमें आपको एड्स दिखाया जाएगा और एड्स के द्वारा जो अर्निंग आप होगी वो आपको गूगल एडसेंस पर आपको शो होगी। अब गूगल एडसेंस क्या है मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बाद में बता दूंगा। जो कि मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो स्टूडेंट ही हैं, मेरे मित्र हैं, तो उनको शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं उनको बाद में बता दूंगा। तो इसमें आप चिंता मत करिए, मैं पूरा आपको डिटेल बता दूंगा कि कैसे आपको बैंक डिटेल लोड करना है ताकि आपको आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, फिर आपको कोई झंझट ही नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे आप। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू में ही करेंगे, शुरू में हो सकता है साल भर आपको लगे। तो इसमें करना क्या, बस वीडियो अपलोड करते रहिएगा, इधर उधर आप अपना पढ़ाई लिखाई या व्यवसाय जो भी करते हैं वो करते रहिएगा और बस यूँ ही आपका तो एक दिन बाद काम मतलब थोड़े समय बाद आपको क्या होगा, अर्निंग आपकी होने लगेगी। तो देखिए, इसमें कुछ समय लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे कि मेरे पर क्या है कि मैं जिस समय ऑन किया था अपना ये चैनल, उस समय क्या करीब 2 साल पहले इसको ऑन हुआ था, तो उसमें ऐसा कुछ खेल नहीं था कि भाई आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो 4000 आपके घंटे चाहिए और ये दुनिया भर का रूल नहीं था। अब देखिए, YouTube का ये सब अपना सिस्टम है, तो बाद में रूल वो लाता रहेगा जैसा उसको ज़रूरी लगे। तो मेरा तो शुरू में ही ऑन हो गया था क्योंकि उस समय ऐसा कुछ खेल ही नहीं था, बस वीडियो लोड करो, एड्स आना शुरू, एड्स आएगी तो अर्निंग होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप अपना वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखें क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा तगड़ा हो गया है। अब अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छा चीज़ शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, फेक वगैरह ना बनाएं क्योंकि इससे देखिए नुकसान भाई लोगों का होता है। जो भी बनाए सत्य बनाए, चाहे भले व्यू आए चाहे ना आए, कितने लोग व्यू लेने के चक्कर में उल्टे सीधे बातें लगते हैं, बताते हैं झूठी मूठी का, ये सब सही चीज़ नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको ऐसे और बातें बताऊंगा गूगल के जो यूट्यूब का प्रोग्राम है कि किससे आप ऐसे आप मतलब इससे आप कैसे आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें एक तो था कि भाई एड्स के द्वारा अर्निंग करेंगे और एड्स आएगा आपका गूगल एडसेंस का, गूगल एडसेंस के द्वारा मतलब गूगल एडसेंस में आप जो एड्स आएगा गूगल एडसेंस में आप उसका कमाई का ब्यौरा पूरा लोड हो जाएगा। तो आप मंथली 21 तारीख को आपके अकाउंट में चला आएगा और 22 या 23 ले आप चाहें तो उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा एडसेंस के बारे में, तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मैं इसमें बकायदे आपको बैंक अकाउंट आपको कैसे ऐड करना है सब मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड डे।